तो जो भी भाई एक्सपेलर को चला रहे हैं और भैया वो अपना वीडियो बनवाना चाहते थे यार, कमेंट करो और पूरी कोशिश की जाएगी और आपसे रिक्वेस्ट भी की जाएगी, अपना थोड़ा सा समय देवे और अपनी वीडियो भी बनवा लें भाई। ऑपरेटिंग मैन चौधरी तरुण कुमार, यू कैन सी ऑन स्क्रीन चौधरी तरुण कुमार। तो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो में, और आप लोग फिर से आ चुके हैं सीधे श्री राम लघु उद्योग प्लांट में। आज तारीख 21 अप्रैल 2024 में चलो चलिए देखते प्लांट पे क्या काम चल रहा है, कैसे कैसे रंग मच रहा है। और आज बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे कुछ भाई पूछ रहे कमेंट करके आजकल के भैया अपना ब्रांड बेचने के लिए क्या क्या करवाना पड़ता है, तो सभी बातें की जाएंगी इस वीडियो में, बने रहे। तो चलिए देख लेते एक बार खली की परफॉर्मेंस, देख लो यहाँ पे खली निकल के हो चुकी सेट बिल्कुल। तो भैया ये देख लो यहाँ पे खली की परफॉर्मेंस, खली बिल्कुल ये मान लो निकलते ही सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे बोल रही है पत्ते की ढाल देख लो। और ये केवल दूसरी बार निकाल ली गई है खली, केवल दूसरी बार। हमारे कुछ भाई वीडियो में कमेंट करते हैं कि यार हम तो 3 बार 4 बार निकाल रहे हैं, अरे घंटे में 40-50 किलो ही निकल पा रही है। तो भैया यहाँ तो दो बार की है भैया, बता रहे हैं ये 2 बार की निकली हुई खली है, देख लो बिल्कुल पत्ते जैसी है, बिल्कुल पत्ते जैसी खली है। और ये दूसरी बार निकल कर डाली है यहाँ पर, बिल्कुल सूख चुकी है एकदम, कटर कटर बोल रही है देख लो यहाँ, कटर कटर बोल रही है। तो भाई जो भी भाई एक्सपेलर चला रहे हैं और थोड़ा परेशानी का सामना कर रहे किसी भी तरह से, तो वीडियो में कमेंट कर दो भैया, नंबर दे दिया जाएगा और बातचीत कर लेना बड़े भाई योगिंदर जी से, और वो आपकी समस्या का कुछ ही मिनटों में समाधान करवा देंगे। और बाकी देख लो टिनिटैक एक्सपेलर को कैसे रंग मचा रहा देख लो, लगातार माल फेंक रहा है नीचे, ढू लगा दिया देख लो यहाँ पे, आपके एक्सपेलर के नीचे भी ऐसे ही ढू लगता है क्या, कमेंट करके बताओ भैया जो एक्सपेलर चला रहे हो, देख लो कैसे ढू के ढू लग रहे हैं। और नज़दीक से देख लो क्वालिटी देख लो, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल भर का चलता है गल्ला बिल्कुल भर का चलता है टिनिटैक एक्सपेलर के, यही फायदे हैं। और इसी तरह से तूफान आता है यहाँ पे हर समय। तो जो भी नए भाई वीडियो को देख रहे हैं भैया, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टिनिटैक सरसों के तेल का एक्सपेलर, सरसों के तेल का कोल्लू, जिसे लाया गया था गुजरात से, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इसकी टिनिटैक प्लांट की, और इसको यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था मार्च 2022 में। और कीमत की अगर बात करें तो विद फिल्टर 4,10,20 हज़ार के आसपास इसकी कॉस्ट आई थी उस समय, उधर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर भी रखा हुआ, और फिल्टर भी अपने पूरी परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे देख लो, सभी नोजल बेहतरीन मात्रा में तेल फेंकते हुए बिल्कुल प्योर शुद्ध तेल देख सकते हैं यहाँ पे आप फिल्टर करने के बाद, और सभी नोजल भर कर चल रहे हैं। फिल्टर को कम कंडीशन में चलाया जाता है। जो भी हमारे भाई मशीन चला रहे हैं और उनके मशीन से देख लो, क्या उनके मशीन से भी इतनी चौड़ाई की खली निकलती है क्या, यहाँ पे देख लो इसकी चौड़ाई आप देखें, ये करीब 4 से 5 इंच की चौड़ाई के ये जत्थे निकलते हैं यहाँ पे देख लो। और जहाँ तक तरुण भाई कह रहे हैं कि हमारा अंदाज़ा है, जो भी हमारे भाई एक्सपेलर मशीन से परेशान हैं वो ज़रूर इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े निकाल पा रहे होंगे, उनकी मशीन इस तरह की खली निकालती होगी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। लेकिन यहाँ पर देख लो श्री राम लघु उद्योग का टिनिटैक एक्सपेलर मशीन ये निकालता है 4 इंच से 5 इंच छोटे जत्थे पूरे यहाँ पे देख लो। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो और इसी बात से आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि आपकी मशीन तो 40 से 50 किलो निकाल लेगी भाई, कहीं ना कहीं सेटिंग में हो रही है दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते 1 क्विंटल से लेकर 1 क्विंटल 20 किलो तक माल, और उसका सबसे बड़ा कारण मैंने अभी आपको दिखाया इतने लंबे लंबे जत्थे निकालती है, तो सेटिंग हो रही है बिल्कुल परफेक्ट हमारे मशीन की। तो जो भी भाई कुछ सहायता लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और नंबर दे दिया जाएगा, और बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं ज़रा ब्रांड के बारे में, कुछ भैया कहते हैं कि ब्रांड कैसे रजिस्टर्ड होता, तो ज़रा देख लेते हैं श्री राम लघु उद्योग के ब्रांड को।
और यहाँ पे देख लो कट्टों की लेंथ भी तार दी है सरसों लेने के लिए। पूरे गोदाम को भर लिया जाएगा, ये कट्टे रख दिए हैं खल भरने के लिए कह रहे हैं भैया, सरसों की खली भरी जाएगी इनमें और ये सारे कट्टे ऊपर जाएंगे कम। यहाँ पे देख सकते हैं आप खली सेट हो गई है बिल्कुल रेडी टू ईट। तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड के बारे में दो चार बात कर ले, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है श्री राम लघु उद्योग का रावली ब्रांड। तो ब्रांड रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रांड के एक नेम सोचना होगा, एक नाम सोचना होगा जो किसी और के नाम से मैच ना करता हो। जैसे कि हमारे गांव का नाम है रावली, तो हमारे भैया ने सोचा कि भाई चलो रावली ब्रांड के नाम से इसको रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी और के नाम से आपका नाम मैच हो जाएगा तो वो व्यक्ति या संस्था ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि भाई ये तो मेरा नाम है मैं इसको यूज नहीं करने दूंगा। तो उस कंडीशन में आपको एप्लीकेशन पहले स्टेप पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले केवल एक डिफरेंट नाम सोच लें जो किसी से मैच ना करता हो, चाहे वो किसी भी तरह का नाम हो, चाहे हमारे गांव का नाम हो या कुछ भी अन्य हो सकता हो। अलग हो वो है कि FSSI तो हो वह है यू। अच्छा वो तो अलग हो, हाँ वो तो खाद्य विभाग का हो, ये लाइसेंस का हो। चलो काट देंगे इसे। तो भैया उसके बाद आपको डालनी होगी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में लगभग तरुण भाई बता रहे हैं अंदाज़ा खर्चा हो जाता है 10,000 के आसपास, 10 से 15,000 तक खर्चा हो जाता है। और समय की अगर बात करें तो मान लिया अगर आपने आज अप्लाई करा है तो लगभग 9 से 10 महीने आपके ब्रांड को रजिस्टर होने में, आपको मान्यता मिलने में समय लग सकता। और भैया बात करें कि कहाँ जाकर कराएं, तो इसके लिए आपको अपने निकटतम एडवोकेट साहब जो वकील साहब होते हैं कोई भी आपके गांव मोहल्ले में कस्बे में होते हैं उनसे आप संपर्क करें, वो आपका ब्रांड रजिस्टर करा देंगे। कोई आपके जानने वाले वकील साहब हों या CA साहब हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हों, तो उनसे आप संपर्क करें और उनसे बाकी अन्य जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। तो ब्रांड रजिस्टर्ड कराने के लिए यही प्रोसेस है भैया। जब आपका ब्रांड एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसके बेनिफिट आपको ही मिलने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ आप बेहतरीन अच्छी चीज़ आप देंगे वो आपके नाम से जानी जाएगी और कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके नाम को यूज नहीं कर पाएगा। और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि फिर आपकी चीज़ तो अच्छी रहेगी रहेगी, बाकी आपका नाम भी बिकता रहेगा, नाम के हिसाब से आपकी सेल होती रहेगी। क्योंकि जब नाम प्रसिद्ध हो जाता है तो फिर हर चीज़ आदमी नाम बूझ के चीज़ को मांगता है, जैसे बहुत सारे नाम हैं तो XYZ किसी के भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो ये बात है, बाकी हक के नज़ारे देख लो। और भैया जो भी भाई प्लांट को देखना चाहते हैं या सरसों निकलवाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है यहाँ आए हैं गांव रावली कला में श्री राम लघु उद्योग पे। ये प्लांट स्थित है यहाँ गांव रावली कला में जो कि पड़ता है गाजियाबाद से लगभग 21 किलोमीटर पड़ता है ये। कुछ हमारे भाई पूछते हैं कमेंट में कि भाई कहाँ है लोकेशन बताओ। शुद्ध सरसों का तेल यहाँ पे मिलता है आपको 101% गारंटी के साथ। तो शुद्ध सरसों का तेल खरीदने के लिए भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और खली भी यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और कोई भी भाई सरसों खरीदने के इच्छुक हैं तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। सरसों की खली तो अवेलेबल रहती है, तेल भी अवेलेबल रहता है और सरसों भी अवेलेबल रहती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इधर स्टॉक लगा हुआ काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में, कट्टों के अड़ंग लग रहे हैं यहाँ पे देख लो। और भैया इतनी मेहनत आपने वीडियो देखने में कर दी मेरे भाइयों, वीडियो यार लाइक भी कर दो, और जो भी नए भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, बड़ी बड़ी कृपा रहेगी आपकी, अपना परिवार बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और तो भाइयों जो भी भाई एक्सपिलर चला रहे हैं आसपास के इलाके में वो भी अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी भाइयों के पास जाने की, उनका कीमती समय लेने की और वीडियो बनाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। तो भैया वीडियो में कमेंट करें। सो फ्रेंड्स इफ समवन वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया आई वॉन्ट टू टेल यू यू आर वॉचिंग टीनी टेक मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर
इंडियन मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग इन गुजरात। सो फ्रेंड्स, आई एम नॉट सो गुड इन इंग्लिश, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग टू विच दोज फ्रेंड्स आर वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। जस्ट टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्सपेलर। दिस एक्सपेलर इज परफॉर्मिंग अबाउट 100 to 120 kg hourly with 2 rounding. And talk about percentage of oil, almost 30 to 35% oils are coming after manufacturing mustard. Cost of this plant almost about 4.1 lakh Indian rupees. Those friends are facing some problem during operating this expeller or any other expeller, can comment. We will trying to help you about all problem related oil expeller. Problems like timing issue, less performing, problem like taking so much electricity, any other old type of problems related mustard oil expeller. So you can comment. I will give you mobile number of my elder brother Chaudhary Yogendra Singh and operating man Chaudhary Tarun Kumar. You can see on screen Chaudhary Tarun Kumar. So friends, please like and comment and subscribe this channel. थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जो भी भाई एक्सपेलर को चला रहे हैं और भैया वो अपना वीडियो बनवाना चाहते थे यार, कमेंट करो और पूरी कोशिश की जाएगी और आपसे रिक्वेस्ट भी की जाएगी, अपना थोड़ा सा समय देवे और अपनी वीडियो भी बनवा लें भाई। तो जो भी भाई हमारे गांव रावली कला के आसपास 10-20-30-40 किलोमीटर के दायरे में एक्सपेलर चला रहे हैं तो तुरंत कमेंट करें भैया। और केवल एक्सपेलर ही नहीं, आप किसी भी तरह की अन्य मशीन का भी आप उपयोग कर रहे हैं या कोई आप अन्य तरह का बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी वीडियो बनाई जाए तो पूरी कोशिश की जाएगी भैया, कमेंट करो और आपका फ़ायदा होगा और हमारा थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि हमारा भी परिवार बढ़ने की उम्मीद बनी रहेगी यूट्यूब पर। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।